बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के साथ मैं हूं सर सजाद। आज हम चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेम है रियल एंड अपेरेंट वेट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। हम सब जानते हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा कुछ हाइट से, तो वह अर्थ की जानिब ही मूव यानी फॉल करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है अर्थ की जानिब। याद रखें, जितनी फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर लूँ, व्हाट इज़ वेट? इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड इट इज़ ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ बॉडी is called its weight. Always weight is always represented by small w, capital W work होता है। हम weight को newton में मेजर करते हैं, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूनिट ऑफ वेट है। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ वेट फोर्स वाली डायमेंशन होगी, मीन्स ml टी इनवर्स स्क्वायर। वेट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इसकी हर सूरत में डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। हम वेट को W इज इक्वल टू mg के फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, और इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, और अब हम समझते हैं कि रियल और अपेरेंट वेट में क्या डिफरेंस है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करें इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस वेट को हम इस टॉपिक में W के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो रियल वेट होगा। उसी ऑब्जेक्ट का उसी बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस के साथ अगर हम वेट मेजर करें इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उस सब्जेक्ट के वेट से रिलेटेड इस स्प्रिंग बैलेंस में, हम उस वेट को सब्जेक्ट का अपेरेंट वेट कहेंगे। मेरी बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आई तो ज़रा एक दफ़ा फिर गौर करते हैं कि व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी बॉक्स में, किसी रूम में, किसी गाड़ी में मौजूद हैं, और वो गाड़ी, वो रूम, वो लिफ्ट का सपोज बॉक्स अगर रेस्ट कंडीशन में हो, यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो हम उस बॉक्स को जिसमें आप मौजूद हों, उस रूम को, उस गाड़ी के रूम को, उस लिफ्ट के एलिवेटर के रूम को जिसमें हम यानी आप कोई मौजूद, हम उस रूम को ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अगर आप लिफ्ट के एक बॉक्स में मौजूद हैं जो अपर स्टोरीज पे हमें के लेके जाता है, हमें नीचे आना है भी उस स्टोरीज नीचे बेसमेंट पे अपर स्टोरीज से लिफ्ट के उस बॉक्स को, या जिस रूम में मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद, या क्लासरूम जिसमें मैं मौजूद हूँ, इस रूम को जो कि सपोज़ अगर वो रुका हुआ हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, हम जानते हैं ये रूम सरफेस ऑफ अर्थ रुकी हुई है, तमाम ऑब्जर्वर के लिहाज से जो सरफेस ऑफ अर्थ पे इस रूम को देख सकें वो कहेंगे भी ये रूम रुका हुआ है, लिहाजा इसका एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। अगर हम इस बात को यूं कहें भी गलत नहीं होगा कि ये क्लासरूम जिसमें मैं मौजूद हूँ, ये क्लासरूम अर्थ पे मौजूद है, यकीनन अर्थ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये रूम भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस केस में भी इस रूम का एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो।
और बच्चे एक दफ़ा मेरी इस इम्पॉर्टेंट बात को, कंसेप्चुअल बात को फिर गौर करके सुन लें कि आप ऐसे रूम में मौजूद हों जो रेस्ट कंडीशन में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। इन दोनों केसेस में उस रूम का एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो, उस रूम को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह से आप किसी ऐसे रूम बॉक्स में मौजूद हों जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो इस केस में यकीनन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रूम का समथिंग एक्सेलरेशन होगा, हम उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जी एक्सेलरेटेड यानी समथिंग जिसका एक्सेलरेशन हो, या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैयर्ड वेट अपेरेंट वेट है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैयर्ड वेट को हम रियल वेट कहेंगे, उसको स्मॉल डब्ल्यू के साथ इस टॉपिक में भी रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं लेफ्ट का ये बॉक्स है जिसमें जिसकी सीलिंग के साथ, छत के साथ हमने किसी रस्सी किसी स्ट्रिंग की हेल्प से स्प्रिंग बैलेंस को सस्पेंड कर दिया और उसकी हुक के साथ एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करना है जिसका हमें वेट मैयर करना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस मैंने बढ़ाया, यानी इसका वेट भी बढ़ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का वेट हम मैयर करते हैं नंबर वन इस रूम को, बॉक्स को, एलिवेटर को, इस रूम के इस बॉक्स को, लेफ्ट के बॉक्स को। अगर रेस्ट कंडीशन में हो तो उस वक्त हम इस ऑब्जेक्ट का वेट जो स्प्रिंग बैलेंस से मैयर करेंगे उसका नाम रियल वेट रखेंगे। जब ये लेफ्ट का बॉक्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उस वक्त हम ऑब्जर्व करेंगे ये पर्सन लेफ्ट में ठहरा हुआ इस पॉइंटर की पोजीशन को नोट करेगा। जो भी इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंटर यानी स्प्रिंग बैलेंस वेट शो करेगा वो इसी ऑब्जेक्ट का यानी इस ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट होगा। स्टूडेंट सपोज करते हैं अगर लेफ्ट का ये बॉक्स रेस्ट कंडीशन में हो तो नेट फोर्स रिजल्टेंट इन दिस केस इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। जी याद रखें जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में डाउन मूव करेगा तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अगर ये लेफ्ट का बॉक्स रेस्ट कंडीशन में हो तो आप लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस टी या टी माइनस डब्ल्यू, दोनों केसेज एप्लीकेबल हैं। जी जबकि अपवर्ड मोशन के केस में नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी इस फार्मूला से, डाउनवर्ड मोशन के केस में नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी W माइनस टी। हम जानते हैं W यहाँ रियल वेट यानी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन दिस कैबन दिस बॉक्स इज एट रेस्ट, और T यहाँ अपेरेंट वेट है जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेफ्ट का बॉक्स रेस्ट कंडीशन में हो, यकीनन इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा F इज इक्वल टू एम ए टी माइनस डब्ल्यू। ए की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा W इज इक्वल टू टी और टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जब लेफ्ट का ये बॉक्स रेस्ट कंडीशन में हो, जो भी हम वेट मैयर करेंगे इस सब्जेक्ट का, सपोज ये पॉइंटर इस फाइव पोजिशन पर आ गया जैसे ही हमने ये वेट सस्पेंड किया, तो ये रियल वेट है, अपेरेंट वेट भी यही है, यही रियल वेट यही अपेरेंट वेट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस लेफ्ट के बॉक्स को समथिंग एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं तो रिजल्टेंट होगा F इज इक्वल टू एम ए टी माइनस डब्ल्यू। जी W को इस साइड पे ले आए प्लस का हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो T इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। बच्चे इस केस में जी अगर हम W को साइड पे ले जाएं, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी T माइनस एम ए, तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि T में से समथिंग वैल्यू माइनस करेंगे तो W को इक्वल होगी, यानी इस केस में अपेरेंट वेट की वैल्यू ग्रेटर होगी रियल वेट के कंपैरिजन। यानी ये पॉइंटर अब फाइव पोजीशन पे जब ये कैबन रुका हुआ था की बजाय अब उससे समथिंग नंबर नीचे आ जाएगा, सपोज सिक्स सेवन एट, तो इस केस में ये पर्सन ऑब्जर्व करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का वेट जो कि अब अपेरेंट वेट है समथिंग इंक्रीज हुआ। इसी तरह से अगर हम इस एक्सेलरेशन समथिंग एक्सेलरेशन के साथ इसी लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएँ तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा टी को इस साइड पर ले आए तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी इज माइनस एफ T
पी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं एम ए, ए वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमें नज़र आ रहा है W में समथिंग वैल्यू माइनस करें T के इक्वल होगी जी W में से समझिए, इसका मतलब है इस केस में W की वैल्यू ग्रेटर है T से, यानी अपेरेंट वेट की वैल्यू कम हो जाएगी रियल वेट के कंपैरिजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म सुन लें बच्चे, अगर हम इसी लेफ्ट के बॉक्स को फ्रीली फॉल कराते हैं, यानी वो कैबन आयरन टाइप मटेरियल की बनी हुई, वो मोटी मोटी सी केबल, वो कैबन जो इस लिफ्ट को ऊपर भी ले जाती है नीचे भी ले आती है, ये सपोज़ भी अल्लाह ना करे अगर ये किसी भी जगह टूट जाए, ये कैबन टूट जाए, तो हम देखेंगे कि ये लिफ्ट उसमें मौजूद हर चीज़ अब फॉल करेगी, बल्कि फ्रीली फॉल करेगी। हम जानते भी देखें ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, मैं इसको छोड़ दूँ तो ये अब फ्रीली फॉल करेगा। फ्री फॉल मोशन में याद रखें हम एक्सेलरेशन को ए की बजाय जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इस केस में हमारे पास नेट फोर्स की रिजल्टेंट वैल्यू होगी डब्ल्यू माइनस टी, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट विच इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय एम जी फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। हम ए की बजाय अगर यहाँ जी पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, तो टी यानी अपेरेंट वेट की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसका अपेरेंट वेट यानी टी की वैल्यू होती है ज़ीरो। यकीनन ये पर्सन ऑब्जर्व करेगा ये पॉइंटर फाइव की बजाय अब ज़ीरो पोजीशन पे चला जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट नियर अबाउट, इस ऑब्जेक्ट का अब अपेरेंट वेट 100% इक्वल टू ज़ीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यहाँ टर्म आपको समझाता जाऊँ कि अपेरेंट वेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, ज़ीरो भी हो सकती है फ्री फॉल मोशन के केस में, जबकि इन तमाम केसेज में रियल वेट की वैल्यू हमेशा हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। यानी रियल वेट की वैल्यू तो हर सूरत में कांस्टेंट सेम रहेगी, जबकि अपेरेंट वेट की वैल्यू इस एलिवेटर को, इस लिफ्ट के बॉक्स को अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कराने से वेरिएबल वेलोसिटी के साथ यकीनन वैल्यू चेंज होगी। ये इस कार्ड रियल एंड अपेरेंट वेट जी, इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक के साथ जी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे। अस्सलामु अलैकुम।